subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. सीरियल कुमकुम भाग्य से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर है हम आपके पास। पर इससे पहले बताते हैं आपको क्या कुछ हुआ बीते हुए ट्रैक में, जहां शो में देखने को मिला कि फाइनली तरुण और नेहा की सगाई हो जाती है, वो भी अभी और प्रज्ञा की दी हुई रिंग की वजह से, जहां पर दिशा दोनों को ही बातें सुनाती हुई नजर आती है, क्योंकि अभी और प्रज्ञा दोनों ही रिंग देने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन रिंगों से उनकी पुरानी वाली यादें जुड़ी होती हैं, जहां पर दिशा कहती है दोनों से ही कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और एक दूसरे को दोबारा से चांस दें। पर दोनों ही एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, कहना तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। पर आने वाले शो में भी आप देखने वाले हैं कि शो का मंजर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है, जहां पर शो में करवा चौथ का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला है, और जिसका सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब प्रज्ञा के घर पर सरगी पहुंच जाएगी, वो भी अभी के नाम की, और ये सब देखकर चाची बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको जानकारी दे, शो में ट्विस्ट तो तब आएगा जब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से किंग के घर में करवा चौथ का फेस्टिवल सेलिब्रेशन चल रहा होगा कि वहां पर कियारा अभी के साथ पहुंच जाएगी। अब आगे देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जब कियारा अभी को लेकर अपने घर पहुंच जाती है तो क्या अभी देख लेगा प्रज्ञा को किंग के लिए व्रत करते हुए, क्या उसको पता चल जाएगा कि कियारा और किंग का क्या रिश्ता है, बल्कि कितना कुछ बदलेगा आने वाली कहानी में, इस बात की जानकारी के साथ फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ निज़म की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।